और कुछ लोग इंडिया गठबंधन से हटने वाले हैं, तो हट करके और सट करके लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित है कि जैन जी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी एनडीए मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में भूचाल आता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव के साथी जयंत चौधरी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। पिछले दिनों गठबंधन की तरफ से 7 सीटों पर जयंत चौधरी राजी हुए, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच अंदर खाने बातचीत चल रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को 4 सीटें देने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही अब बात मंत्री पद की भी सामने आ रही है। दावा ये कि जयंत चौधरी बीजेपी से खुद के लिए केंद्र में मंत्री पद चाह रहे हैं, वहीं अपने किसी एक विधायक के लिए योगी सरकार में मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। तमाम चर्चाओं के बीच बीते दिनों एनडीए के साथ आने वाले ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आ गया। जब से ये इंडिया गठबंधन बना, तब से मैं कह रहा हूँ कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नीतीश जी सट गए, अभी सटने वाले हैं, और कुछ लोग इंडिया गठबंधन से हटने वाले हैं, तो हट करके और सट करके लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित है कि जैन जी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी एनडीए मजबूत होगा। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि कुछ लोग इंडिया गठबंधन से हटकर तो कुछ लोग एनडीए से सटकर नरेंद्र मोदी को तिवारा प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोल दिया। जब से ये इंडिया गठबंधन बना, तब से मैं कह रहा हूँ कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नीतीश जी सट गए, अभी सटने वाले हैं, और कुछ लोग इंडिया गठबंधन से हटने वाले हैं, तो हट करके और सट करके लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित है कि जैन जी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी एनडीए मजबूत होगा। पीडीए का तो 2 फार्मूला हम लोग बनाए हैं। एक तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, समाजवादी पार्टी से परिवार के लोग ज्यादा लोग लड़ेंगे, तो वो पीडीए जो है उनका, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो। दूसरा भी हम लोगों ने बनाया है, कल हम बैठे बैठे सोचे थे कि कुछ बना दें, तो पिछड़ों को अखिलेश से डर लगता है, पिछड़ों को पी से पिछड़ा, डी से डर, अखिलेश से अखिलेश, पिछड़ों को अखिलेश से डर लगता है, और से अखिलेश पर विश्वास नहीं है। तो तमाम दावों के बीच एक दावा 12 फरवरी को लेकर भी किया जा रहा है। दावा है कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती है। अब कहा यह जा रहा है कि इसी दिन यानी चौधरी अजीत सिंह की जयंती के दिन ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जयंत चौधरी कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं और किसके साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इन तमाम दावों पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।